हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो हम ना यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा एक टूल सीखने वाले हैं, जो काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, कई लोगों को पता हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिसको ये नहीं पता होगा। तो ये ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टाइम को बचाने वाला टूल्स है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे आप देखिए, डेस्कटॉप पे एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, तो इसको पहले हम सेटिंग चेंज कर लेते। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कि थ्री लेयर में ये बना हुआ है, तो इस तरह का कोई भी डिज़ाइन हो, ये तो फ्लैट है, कस्टम है, लेकिन 3D में भी बहुत सारे डिज़ाइन हो सकते हैं, जिसमें ये टूल्स इसके लिए है जिसमें बहुत सारे डायमंड यूज़ हुए हैं और आप वो ग्रुप नहीं कर पाए, या फिर आपके पास कहीं और से फाइल आई है तो फिर वो डायमंड ग्रुप किए हुए नहीं है। लाइक जैसे देखिए, ये ग्रुप है, इसको एन ग्रुप करता हूँ तो ये सिंगल सिंगल लाइन में भी ग्रुप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें प्रोंग्स रखने में, सीधी लाइन में जब ग्रुप होते हैं डायमंड, तो प्रोंग्स रखने में वो सब चीज़ों में हमें आसानी होती है और हमारा टाइम बचता है डिज़ाइन में। देखिए, इसको मैं अगर एन ग्रुप करूँगा तो ये सिंगल सिंगल भी ग्रुप है यहाँ पे इस तरह से, और इसको भी अगर एन ग्रुप करूँगा तो देखिए ये सीधी सीधी लाइन में यहाँ पे ग्रुप नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सीधा ही हम वो टूल सीखेंगे जो बहुत ही, मतलब बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। या इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे वो टूल्स यूज़ करने के लिए पहले तो सिर्फ हमें डायमंड ही यहाँ पे शो होने चाहिए, या फिर आपको सब शो भी करना है तो हम क्या करेंगे कि मेटल को, या तो दो ऑप्शन कर सकते हैं, या आप मेटल को लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब मेटल को लॉक कर सकते हैं ताकि सिर्फ डायमंड ही यहाँ पे सिलेक्ट हो पाए। आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सब मेटल को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, और अभी देखिए क्या करना है हमें। देखिए ये सब चीज़ें इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, पूरा एन ग्रुप कर लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। ये पूरा मैंने यहाँ पे एन ग्रुप कर लिया। दूसरे डायमंड को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और दूसरे मेटल को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, तो इसको भी हमें ग्रुप करना है, तो कैसे ग्रुप करेंगे? तो एक तरीका है कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे, लाइक इस तरह से सिंगल सिंगल क्लिक करके इस तरह से, या फिर इस तरह से ड्रैग करके भी इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कुछ, दोनों मेथड को अपना के यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा, बाहर की लाइन है तो आप इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, या कहीं पे एक सिंगल क्लिक भी यूज़ करना पड़ेगा, या फिर इस तरह से ड्रैग करके बॉक्स लेके सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका दिखा रहा हूँ वो सबसे आसान और बढ़िया तरीका है, जो फ्लैट में तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब 3D मॉडल होता है, जिसमें एक पूरा 3D मॉडल होता है, उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कमांड ऑप्शन में टाइप करना है सिलेक्ट ब्रश। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेना है, SELBRUSH, सिलेक्ट ब्रश। जब आप ये ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको इस तरह से एक ब्रश दिखेगा। देखिए कर्सर पे आप ब्रश की जो साइज है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्रश विथ। देखिए यहाँ पे मैं 20 mm कर रहा हूँ, 20 कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी mm नहीं, लेकिन 20 की साइज का कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, लाइक 15 इस तरह से। अभी हमें करना क्या है, जिसको भी हमें यहाँ पे ग्रुप करना है, हमें सिर्फ उसके ऊपर इस तरह से ब्रश को इस तरह से ले जाना है। देखिए ये जिसको भी टच करेगा ना, वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। देखिए इस तरह वापस से मैं ऑप्शन लेता हूँ। देखिए इस तरह से अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बाहर की लाइन पे इस तरह से ब्रश को चलाता हूँ, इस तरह से ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देखिए हो गया, इसको हम ग्रुप कर लेंगे। वापस से इसी तरह से वापस इस तरह से ऑप्शन लेना है सिलेक्ट ब्रश, और इस तरह से पूरा यहाँ पे चलाएंगे ऐसे। देखिए ये बाहर का यन सिलेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। तो इसी तरीके से देखिए इसमें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है जो जब लाइन में आपको करना हो। देखिए सिलेक्ट ब्रश, और यहाँ पे क्या करेंगे, आइए पूरी लाइन इस तरह से, देखिए इतना मुझे ग्रुप करना है, या फिर इसको आप शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पूरा मैंने यहाँ पे ये ग्रुप किया,
वापस से ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, और देखिए ये पूरा यहाँ पे मैंने ग्रुप किया। तो इस तरह से करने का क्या तरीका है कि आसानी क्या होगी कि आप प्रॉम्प्ट्स अच्छे से रख सकोगे। जैसे मैंने F11 में शॉर्टकट डाला हुआ है, देखिए इस तरह से आप, साइजिंग नहीं की है मैंने प्रॉम्प्ट की, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो। देखो इस तरह से आप आसानी से प्रॉम्प्ट्स रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसमें भी कर सकते हो, या तो कोई 3D मॉडल है तो उसमें भी आप ये चीज कर सकते हो। देखिए इस तरह से ये बाहर का तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि ये स्टेप में है, लेकिन सिंगल सिंगल लाइन अगर आपको करनी है जिस तरह से मैंने ये किया, देखिए ये वाला, उसके बाद आप वापस से इस तरह से ग्रुप कर सकते हो और फिर पूरा इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हो। 2 से 3 तरीके से आपको ग्रुप करके रखना है फाइल में, ताकि फाइल किसी और के पास जाए तो भी आसानी हो, और आपको भी इन फ्यूचर कभी भी खोलना पड़े या अर्जेंट में कोई एडिटिंग करना पड़े तो आपको भी इसमें आसानी हो। तो आई होप आपको ये टूल समझ आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, टूल का नाम है SelBrush, SELSEL, और इस इतना लिखेंगे ना आप SELB तो यहाँ पे आ जाएगा SelBrush। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे लिंक रख सकते हैं वीडियो का, यूट्यूब पे तो सॉरी, आप कहीं पे भी मतलब शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे भी हेल्प कर सकते हैं, और आई होप कि आपके वीडियो शेयर करने के माध्यम से दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे तो उनकी भी आपके थ्रू हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ किसी ऐसे ही एक नए और अच्छे वीडियो के साथ।